जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें। लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। बेंगाबाद के बुढ़िया सारे खेल मैदान में आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब बुढ़िया सारे की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया। बताया जाता है कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, मुखिया पति राजेंद्र पंडित के अलावे और कई गणमान्य प्रबुद्ध लोग मौके पर मौजूद थे। बताया जाता है इस दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए कर्मा टाण की टीम ने दारवे टीम को हरा कर विनर बना। इधर इस मौके पर काफ़ी तादाद में दर्शक वहां पर मौजूद थे। मौके पर टूर्नामेंट के अध्यक्ष मनोज मंडल, कोषाध्यक्ष फेका हेमरम, सचिव सोनालाल हेमरम, लखीराम हेमरम, नारायण मुर्मू, घनश्याम मंडल, प्रकाश मुर्मू, राजेश हेमरम, रंजीत राम, फोखन सिंह, सहदेव किस्कू, मुमताज अंसारी, खलील अंसारी, उमा शंकर यादव, गोविंद मंडल, बलराम राय, गुड्डू राय, रामजी बेसरा समेत काफ़ी तादाद में लोग मौके पर मौजूद थे। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलें, और साथ ही साथ वहीं मुखिया पति राजेंद्र पंडित ने कहा कि किसी के बहकावे में अब आने की ज़रूरत नहीं है, पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। कहा कि फुटबॉल खेल एक ऐसा खेल है जो आदिवासी समाज के युवाओं का पहला पसंद का खेल बन गया है। इस दौरान विजेता टीमों को पुरस्कार दे करके सम्मानित भी किया। वहीं जयप्रकाश मंडल ने कहा कि फुटबॉल खेल से लोगों के अंदर एक अलग सा प्रतिभा छिपा हुआ है जो आदिवासी समाज में देखने को मिलता है। ज़रूरत है ऐसे लोगों को सही और उचित मंच देने की, ताकि इन लोगों का प्रतिभा निखार आ सके। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। क्या आज जो खेल का यहाँ आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? जरुआटी पंचायत के बुढ़िया सारे गांव और बुढ़िया सारे के मैदान है, और यहाँ पर एक दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। यहाँ के आदिवासी क्लब है ना, आदिवासी युवा क्लब के माध्यम से, और यहाँ के जो भी हमारे लोग हैं, सभी खिलाड़ी लोग हैं, उन लोगों को मैं अपने ओर से हर अभिनंदन और शुभकामना देना चाहता हूं दुर्गा पूजा के अवसर पर। और इस अवसर पर खेल भी रखा गया है, इसलिए मैं खिलाड़ियों को कहना चाहता हूं कि खेल की भावना से आप लोग खेलिए, और बहुत अच्छा इन लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बीते दिन भी हमारे पंचायत में कई एक ऐसा खेल हुआ और इन लोगों ने भाग लिया, और यहाँ नहीं बल्कि बहुत से जगहों पर जाकर के इन लोगों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपना प्रदर्शन और अपनी प्रतिभा को निखारने का, दिखाने का काम किया है। और हर जगह पर इन लोग आगे बढ़ रहा है, और इन लोग का मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग हर जगह पर शरीक हो रहे हैं, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। जहाँ भी इन लोग को हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, कोई कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इन लोग आगे बढ़े, दिन दुगुना रात चौगुना के हिसाब से अपने खेल प्रतिभा का मैंने जो प्रतिभा उसका निखार दिखाने के लिए इन लोग मेहनत कर रहे हैं और करें, इसके लिए हम लोग इन लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जो हम लोगों से आर्थिक मदद बन पाता है, हम लोग हर एक खेल में हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। जिंदाबाद राजू पंडित जी, जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायत समिति श्री जयप्रकाश मंडल की, जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायत समिति प्रकाश मंडल की, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया जी बताएंगे आज का जो खेल का आयोजन किया गया है, खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज बुढ़िया सारे मैदान में यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इस गाँव के मांझी हड़ाम, नेकी हड़ाम, जो भी गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उसके द्वारा आज तारीख को एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट रखा गया है, और सभी गांवों में के लोगों ने उत्सुक होकर के यहाँ के लड़कों ने हम लोगों को जिला परिषद को मुखिया को आमंत्रित किया है। मैं सभी गांवों से और सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी मैदान में हर वर्ष रखते भी हैं और हर वर्ष रखें। हम लोग जब जहाँ भी हम लोग को बुलावा हो, हम लोग मदद करने के लिए आप लोग के लिए तैयार हैं, और आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग किसी भी बहकावे में नहीं आवें, क्योंकि हम लोग बार बार ये बात को बोलते हैं कि हमारे जो पिछड़े आदिवासी हैं ये शोषित हैं,
और शोषित लोगों को यहाँ के लोगों ने, पूंजीपतियों ने और साम्यवादियों ने हमेशा शोषण किया है। इसलिए मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी रूप में भुलावे में नहीं आवे। दो दिन दूर हो गया और आप लोगों को मालूम होगा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज हमारे आदिवासी भाई यदि दारू और मुर्गा में बिकता तो हमारे हेमंत सोरेन रांची की गद्दी में नहीं बैठते। आज मैं इस मैदान से भी आप लोग को चुनौती उन लोग को स्वीकार करना पड़ेगा जिन्होंने आपके गांव में आकर के दारू मुर्गा खिलाता है और हर बार बोलता है कि अपर बार एक बार फटवा दे दो बबुआ। क्यों वोट देंगे? वोट भिखारी का चीज है क्या? वोट भिखारी का चीज नहीं है, बेटी और वोट बेचना नहीं चाहिए। इसे सभी नौजवान साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, कितना भी पैसा दे, मुर्गा दे, दारू दे, वोट मत बेचो। यदि हम मुखिया लाख है तो हमको भी वोट दो और नहीं लाख है तो मत दो। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आपकी जो 2400 घंटा जो सेवा करेगा, आपकी जो भावनाओं के साथ दिन रात रहेगा, उसी का एक बार अपना मत दे। और यही बातों के साथ आप लोगों को पुनः दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए अपनी बातों में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं BNB, और फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते।